हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ, और फिर एक बार दिल से ढेर सारा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंड असल में। तो जैसा कि फ्रेंड, हमारा दूसरा ट्रांसपोर्ट का काम बिल्कुल सेफली हो चुका है। इस वीडियो को पोस्ट करने में थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम था जिसके कारण मैं इस वीडियो को सही टाइम पे पोस्ट नहीं कर पाया हूँ। पर नेक्स्ट टाइम से मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूँगा कि मेरा जो भी ट्रांसपोर्ट का काम रहेगा उस वीडियो को मैं बहुत जल्द से जल्द पोस्ट कर पाऊँ। और ये जो लोकेशन आपको दिखाया जा रहा है, ये ई रोड स्टेशन से जस्ट थोड़ी सी दूरी पर स्थित है, जहाँ पे सारे बर्ड्स का पैकिंग का काम बिल्कुल सेफ्टी से किया जाता है। और उनका सेफ्टी से किया गया काम ही हमारे पास हमारा सामान बिल्कुल सुरक्षित से पहुँच जाता है। और हमारा ये काम उड़ीसा कटक की ओर हुआ है, और उन्हें एक ब्रीडिंग पेयर चाहिए था ब्रीडिंग पर्पस के लिए, एक मेल और एक फीमेल, जो उन्होंने बहुत ही अच्छे क्वालिटी में परचेज किया है। और उन्होंने अपना पूरा ही पेमेंट एक हफ्ते पहले ही मुझे एडवांस कर चुके थे। और उनका जो भी बर्ड्स था मेल और फीमेल, हम उसे चलिए देखते हैं थोड़ा सा। तो ये जो बास्केट आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड, ये बास्केट पे उनका मेल और फीमेल रखा हुआ है। तो चलिए एक बार मेल और फीमेल को देख लेते हैं। चलिए, उस साइड आपको फीमेल दिख रहा होगा और इस साइड आपको मेल दिख रहा होगा। ये दोनों ही पेयर उन्होंने बहुत कॉस्टली पेयर को परचेज़ किया है ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए। और उनका जो पार्सल था उनका नाम पे बुक किया गया था, और बहुत जल्द आपको उनका नाम भी मेंशन किया जाएगा। पर ये जो लोकेशन है, मैं इस चीज़ को आपको थोड़ा और बेहतरीन टाइप से दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड, इसलिए मैंने इस लोकेशन का एक थोड़ा लंबा वीडियो बना दिया है। और ये लोकेशन जो आप देख रहे हो, ये बास्केट वगैरह आप देख रहे हो जो पैकिंग हो चुका है फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारे मतलब बर्ड्स एनी टाइम पैकिंग होते रहते हैं फ्रेंड। जो भी ट्रांसपोर्ट में चढ़ाने के लिए जाता है वो इन्हीं के पास से पैकिंग कराया जाता है। जैसे सामने आप बास्केट में टमाटर वगैरह भी देख रहे हो, जो ये बर्ड्स को बास्केट के अंदर प्रोवाइड करते हैं। और ये आप बास्केट देख रहे हो, जो एक बास्केट के बीच में एक अच्छा सा पैकिंग दिया जा रहा है, जो दोनों साइड दो बर्ड्स भी अगर चले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा उनको जाने में कहीं पे भी। और ये मैं क्या बोलूं, इनका काम जो है ना फ्रेंड्स, वो बहुत जबरदस्त काम है। और इनके जैसा काम करना ना हर किसी के बस में नहीं है, और हर कोई बंदा परफेक्ट काम भी नहीं कर सकता है। और पूरा ही लोकेशन आप देख सकते हो, आपको देख के समझ में आ रहा होगा पूरा ही लोकेशन कि यहाँ पे पूरा पूरी पैकिंग का ही काम किया जाता है। देख सकते हो आप, इतने सारे बास्केट रखे हुए हैं यहाँ पे, और केज में बर्ड्स भी कुछ कुछ रखे हुए हैं जो थोड़ी देर बाद पैकिंग हो जाएंगे। और मेरा बर्ड्स जो है फ्रेंड, वो पैकिंग होने ही वाला है, और जैसे ही वो पैकिंग हो जाएगा फ्रेंड, मैं आपको उसको भी दिखाने वाला हूँ। पर ये जो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनाया गया है फ्रेंड, ये क्योंकि इसमें आपको जो भी बर्ड्स दिखाए जा रहे हैं जो केज में रखे हुए हैं फ्रेंड, वो सारे एक ही भैया के फार्म से आए हुए हैं, और सारे ही अलग अलग प्लेस पर निकल जाएंगे लोडिंग के लिए। और फ्रेंड, हमारे जो भैया का फार्म है बहुत ही बड़ा है, मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसका भी एक वीडियो कवर करूँ और आपको दिखाऊँ हमारे भैया का फार्म कैसा दिखता है और वहाँ पे कितने सारे बर्ड्स अवेलेबल रहते हैं एनी टाइम। और मैंने हाल ही में एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, जो इस डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन हो जाए फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेल और फीमेल का पैकिंग 90% हो चुका है फ्रेंड, और जैसे ही आगे का प्रोसेस हो रहा है आप देखते रहो इस वीडियो में। भैया का टिकट भी बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, पार्सल बिल्कुल रेडी हो चुका है उनके नाम के साथ। तो जैसा कि फ्रेंड, यहाँ तक का हमारा काम जो है वो पूरा पूरी 100% सही बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा था। पर यहाँ स्टेशन में एक छोटी सी परेशानी का सामना हमें करना पड़ा। जैसे कि संतोष भैया स्टेशन पहुँच चुके थे और उनका हमारे साथ वीडियो कॉल में बात हो ही रहा था, और ट्रेन सामने स्टेशन पे ही थी। पर उस वक्त वहाँ पे कटक के लिए दो पार्सल उतारा जा चुका था, एक पार्सल और दो पार्सल आपको दिखाई दे रहा होगा 29/4 डेट का, और उनका पार्सल ट्रेन से नहीं उतारा गया। पर एक छोटी सी परेशानी यही थी उस टाइम हमारे लिए कि इस पार्सल को कैसे अब हम रिसीव करें। तो इसके लिए हमें एक कंप्लेन दर्ज करना पड़ता है, जो रेलवे का एक कंप्लेन केयर नंबर होता है 139, जिसमें हमें कंप्लेन दर्ज करना पड़ता है। जो हमारा टिकट रहता है उसमें PRR नंबर रहता है, तो वो कंप्लेन जैसे ही आप दर्ज करोगे वो आपसे PRR नंबर मांगेगा, और जैसे ही आप उनको PRR नंबर दोगे तो आपका कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा। और कंप्लेन जैसे ही आपका रजिस्टर हो जाएगा, विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर
कैसे भी आपका पार्सल आपके स्टेशन पे आ जाएगा फ्रेंड, जिसके लिए हम सबसे बड़ा रेलवे का एक थैंक्स बोलना चाहेंगे कि उनका काम जो है वो बहुत अच्छा है फ्रेंड, और उन्होंने मेरा कंप्लेन लेने के जस्ट 24 घंटे के अंदर हमारा सामान हमें कटक पे मिल चुका था। और संतोष भैया बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मैंने उनका इतना हेल्प किया। आगे आप संतोष भैया की बात सुन सकते हो फ्रेंड। और ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये 139 पे कॉल किया गया रिकॉर्डिंग ही दिखाया जा रहा है, और इसको भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही रिकॉर्ड किया था फ्रेंड, जो आपको मैं दिखाना चाहता था। ये देखिए, ये हमारा तमिलनाडु से एक मुर्गा और मुर्गी का माल आया था उड़ीसा कटक। अब दिखाते हैं, ये एक मुर्गी आया है तमिलनाडु इंदौर से, और एक मुर्गी था और एक मुर्गा था, दोनों ही था। और जो भाई ने भेजा था वो सही सलामत से भेजे थे, और मुर्गी का भात भी हाल भी बहुत ही बढ़िया है, और इतना देर भी आया है कुछ ही नहीं हुआ मुर्गी को। और हमारे यहाँ पर जो उड़ीसा में आया है, अब दिखाते हैं हम मुर्गी को अंदर में घुसाते हैं। मुर्गी का वैसे ही हाल है, और भाई को धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद है मेरे भाई को। ये दोनों कटक से उतरने वाले था, लेकिन वो गलती से चला गया हावड़ा। तो हमने सौरभ भाई को बोला, वो सौरभ भाई ने क्या किया, हमारा कंप्लेन से लेकर माल रिसीव होने तक पूरा सहयोग किया, इसीलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसको हम हमारा भाषा उड़िया में भाषा में बोलते हैं। ये कुकुड़ा दुए तमिलनाडु इरोडू आसी था, ये कटक रोलेबार था, किंतु ये कटक स्टेशन रिसीव न हो पारि यह चली जाइला हावड़ा। ଫଳରେ ଆମେ ଏଇ ସୌରଭ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ସୌରଭ ଭାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇ ମାଲଟିକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆଣି ଆମ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ସହିତ ଆମକୁ ଦେଲେ।